exciting park, and there's a Porsche Targa, and मतलब जो कार का चैसी पीच भी एडजस्ट होता है. ओके इनफ ऑफ दैट. हेलो एवरीवन, एंड मैं इतना खुश हूँ, मेरा फेस का स्माइल देखे आपको आइडिया होगा, बिकॉज येस आई ऑलरेडी ड्रोव द गोल्फ GTI. दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग द गोल्फ GTI, एंड द रीज़न इज मैंने आज दो वीडियो शूट किए, जेटा एंड द वोक्सवैगन. तो मैंने दोनों कार का ड्राइविंग पार्ट जो है वो बैक टू बैक शूट किया, एंड ऑफकोर्स दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय मेपल वोक्सवैगन. सो बिग थैंक्स टू दैम, स्पेशली द मैनेजर हियर द डैनियल, सच ए नाइस पर्सन. एंड ऑफकोर्स ये डीलरशिप जो है वॉन नियर टोरंटो, तो आप कभी भी आके चेकआउट कर सकते हो, आपको कोई वोक्सवैगन या लेनी है, ऑफकोर्स द पीपल हु लिव नियर टोरंटो एरिया. दिस वॉज सच अ फन थिंग. इसके पहले जो हॉट हैच चलाए थे वो तो आई थिंक इंडिया में गोल्फ GTTS है, एंड आई मीन मेरे पास खुद भी वेंटो है, TS है, बट दैट्स नॉट अ रियल हॉट हैच. वी ऑल नो दैट इंडिया में बलेनो RS एंड ऑल दैट स्टफ आता है, बट या दिस इज द फर्स्ट रियल हॉट हैचबैक मैंने ड्राइव किया था. इट्स सो निम्बल, इट्स सो क्विक, एंड जो भी ऑफकोर्स मैंने ड्राइविंग पार्ट में जो शेयर किया ही है सब कुछ. तो नाउ फाइनली जस्ट चेकआउट दिस कार. सो एक्चुअली मुझे कार को बहुत टाइम से चेकआउट करना था. दिस कार इज रियली स्पेशल टू मी, एंड आई थिंक अगर मुझे मेरा फर्स्ट कार बाय करना तो दिस इज अ रियली लाइक अ टॉप कंटेंडर, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ओवरऑल हैचबैक. एंड उसका रीज़न मैंने ड्राइविंग पार्ट में ऑफकोर्स शेयर किया ही है, उसका रीज़न है येस आई लव दिस कार, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी. सो नाउ फाइनली लेट्स जस्ट चेकआउट दिस कार. Make sure to follow me on Instagram so you don't miss all the latest update and the behind the scene stuff I put on Instagram. Generation Golf GTI, and this is actually, I mean, mere liye car special bhi tha. Of course this car has a lot of history, and now speaking of the history, this car was first introduced in 1974, yes, the Mark 1 Golf, and here it is the as I said the 7th generation, and it has come a long way over the year. Cars ke bahut sare models bhi aaye, then ab ek top of the line Golf R bhi aata hai, and in fact ek Donut Media karke channel hai, unka ek video bhi hai Golf R ke upar, bahut डिटेल हिस्ट्री एंड सब कैसे वो कार ओवर द ईयर उसके मॉडल चेंजेस हुए, तो डू चेक दैट आउट. यू कैन सी ये कार का फ्रंट लुक एंड ओवरऑल प्रोपोर्शंस की बात करें, ऑफकोर्स दैट्स अ वोक्सवैगन टिगवान राइट देयर. ओवरऑल प्रोपोर्शंस की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स अ बिगर दैन पोलो, एंड आई एम कंपेयरिंग इट टू पोलो क्योंकि इंडिया में नॉर्मली पोलो ही आता है, सो दैट्स अ गुड रेफरेंस फॉर यू गाइज. एंड इट्स ऑफकोर्स बिगर दैन पोलो क्योंकि इसका जो सीडान वर्जन आता है वही जेटा है. तो या इट यूजेस द वोक्सवैगन MQB प्लेटफॉर्म. मुझे पर्सनली पसंद है, पर बहुत लोगों को ये कार का लुक्स काफ़ी सिंपल लगता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड. अगर आप एक गोल्फ से कंपेयर करो तो इतना डिफरेंस नहीं है जो नॉर्मल गोल्फ एंड ये. इनफैक्ट अगर आप सिविक टाइप आर या फोर्ड से भी कंपेयर करो तो लुक्स के मामले इतना नहीं सिंपल है, बट आई थिंक फॉर मी दैट्स हाउ इट लाइक्स. बहुत लोगों के लिए ऑप्शन, मतलब बहुत लोगों को काफ़ी सिंपल लुक लगता है, बट आई थिंक द ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ द कार एंड द ओवरऑल लुक ऑफ द कार इज रियली नाइस. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो है, यहाँ पे आप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो अलग टाइप का मटेरियल. कोई एक मैंने गोल्फ देखा था उसमें आफ्टर मार्केट कार्बन फाइबर का था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फॉग लैम्प्स है, एंड दिस इज द हेडलाइट. दिस इज द ट्रेडिशनल, आपने इंडिया में GTI में भी देखा होगा ये जो रेड लाइट है, इट रन्स एक्चुअली थ्रू द हेडलाइट. मतलब आप यहाँ देख सकते हो इट रन्स थ्रू दिस, मतलब एक ऐसे कंटिन्यूस लगे इसलिए. एंड हियर इज द GTI एंड द फेमस एक हेक्सागोनल टाइप जो शेप है. एंड ये मैंने जैसे कि जेटा के वीडियो में भी कहा था, दिस इज एक्चुअली द सेंसर रडार गाइडिंग सिस्टम जो होता है, ऑटो ब्रेक एंड जो भी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल उसका जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर है. इसके ये लोगो ऐसा पूरा एक प्लेन आपको ग्लास टाइप दिखता होगा. आई वॉन्ट टू शो यू गाइस, दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट ब्रिंकर्स यू कैन हैव. मतलब एक छोटे कार में दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट, मतलब जो टर्न इंडिकेटर्स है, आई मीन जस्ट लुक एट इट, इट्स ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरा जो डबल हेडलैम्प्स है उसके वो दोनों LED ब्लिंक कर रहे हैं. साइड प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार. एंड ऑफकोर्स जो नॉर्मल गोल्फ है उससे थोड़ा कार जो है राइट हाइट में लो, जो लो है. एंड इसमें आते हैं व्हील्स जो आप देख सकते हो, वहाँ पे भी एक GTI बैजिंग है एंड ब्लैक मिरर्स है. इसमें एक्चुअल में व्हील्स आते हैं वो है 18 इंच के व्हील्स 255/40R18, एंड द ब्रेक्स है दिस कार हैज रियली गुड ब्रेक. मैंने जैसे कि ये कार का ड्राइविंग पार्ट किया था, जो मेन इंप्रेस था मैं वो था कार का ब्रेकिंग. एंड नाउ लेट्स जस्ट चेक आउट द रियर ऑफ द कार. यहाँ पे आप देख सकते हो सब पार्किंग सेंसर्स एंड ऑल, एंड हियर इट इज द हैच. अभी आपको नॉर्मली मैं दिखा देता हूँ ओवरऑल लुक. आप देख सकते हो द ड्यूअल एग्जॉस्ट व्हिच आर क्वाइट बिग एंड इट्स नाइस एक्चुअली, एंड दिस साउंड्स प्रीटी गुड. आई मीन इतना साउंड नहीं है क्योंकि ये कार में जो है वो स्पीकर्स थ्रू भी साउंड आता है, ये स्पीकर्स थ्रू भी साउंड आता है. एंड हियर यू गो, जो नॉर्मल अपना ये देखा होगा नॉर्मली वोक्सवैगन के हैचबैक्स में होता ही है कि वो आप लोगो चेंज करके आप जो है उसका बूट ओपन कर सकते हो, लोगो जो है वो टर्न होता है. एंड दिस इज़ द स्पेस सेवर स्पेयर व्हील, एंड यहाँ पे अभी आप बंद करते हैं. एंड एक चीज़ आपको दिखाना था यहाँ पे क्या है, ओह दैट्स समथिंग आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द कंपलसरी रेगुलेशन होता है नॉर्थ अमेरिका में कि एक मैनुअल लॉक रहना ही चाहिए. आप
कोई किडनैप करे तो अंदर से बूट ओपन कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक इसमें ओवर इंजीनियर्ड ऐसा भी नहीं है, बट ऑफकोर्स इट्स अ सिंपल आई थिंक इट्स अ क्लेवर थिंग, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आप इससे बूट ओपन करते हो, बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा नहीं है, बट अभी रिवर्स में डालते हो तभी ये पॉप होता है एंड कैमरा आता है। एंड आई थिंक यहाँ पे इसके अंदर जो आपको एक फ्लैप दिख रहा होगा, आई थिंक वो फ्लैप के अंदर कैमरा है एंड दैट पुशेज दिस लैच आउट। सो एक रिवर्स कैमरा के लिए इट्स लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, बट अगेन आप ये देख सकते हो उसके वजह से एक क्लीन लुक आता है कार में, नहीं तो नॉर्मली बम्पर के नीचे कैमरा होता था तो वो इतना यूजफुल नहीं होता। सो दैट वॉज अ क्विक वॉक अराउंड एंड नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड ऑफ द कार। यस, आपने पोलो GTI का इंटीरियर देखा है कि नहीं पता नहीं, बट जो पोलो GTI में इंटीरियर आता है इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, द ट्रेडिशनल गोल्फ जीट, द ट्रेडिशनल नॉट गोल्फ GTI, द एक्चुअल GTI इंटीरियर इनसाइड द कार। यहाँ पे भी यहाँ पे आप प्रेस करते हो तो लॉक अनलॉक होता है कार, एंड यहाँ पे गोल्फ R जो आता है जो पावरफुल वर्जन है उसमें ऐसा स्क्रीन आता है जैसे कि मैंने आपको जेटा के वीडियो में दिखाया था, वैसे उसमें स्क्रीन आता है, इसमें स्क्रीन नहीं आता। एंड द सेकेंड थिंग इज मैनुअल नहीं है, ये मैनुअल वर्जन नहीं है, तो जो मैनुअल वर्जन आता है उसमें लिटरली जो गोल्फ बॉल होता है उसके जैसा यहाँ पे गियर लीवर आता है। एंड देन हियर यू गो फाइनली सी द सीट्स, यस ये जो ट्रेडिशनल गोल्फ GTI के सीट्स है द ईयर बहुत सारे मॉडल्स में ही आते ही रहे, एंड इवन द इंटीरियर में स्पेशली जैसे कि कंपेयर किया था बाकी कार्स जो इसके कॉम्पिटिशन आते हैं, दिस कार हैज़ इट्स एडवांटेज इन द इंटीरियर डिपार्टमेंट। आई मीन हियर यू गो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अल्कांटारा टाइप फिनिश, इनफैक्ट सॉफ्ट टच मटेरियल डाउन बिलो। ओके, आपको ये कार थोड़ा एक्सपेंसिव लगता होगा, बट अगेन द अमाउंट ऑफ सेफ्टी फीचर्स एंड एवरीथिंग दिस कार हैज़, इट्स नॉट ओनली सेफ्टी फीचर द अदर फीचर्स एंड द टाइप ऑफ इंटीरियर दिस कार हैज़, आई थिंक इट्स जस्टेबल फॉर दिस इज अ फन हॉट हैचबैक। मैं यहाँ पे इतना दिखाने लाइक कुछ नहीं, क्योंकि जो बाकी बेसिक वॉक्सवैगन है वैसे इंटीरियर आता है, जैसे कि ये देखो ऑटो पार्क का है इसमें बटन है, ये पार्क असिस्ट का बटन है, जैसे कि मैंने अभी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसमें मैं क्लिप शो कर दूंगा, पार्क पायलट आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ड्राइविंग मोड, दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का होता है वो अंडरस्टीयर, एंड मैंने वो ड्राइविंग पार्ट में एक्सप्लेन किया है। एंड हियर वी गो, ये जो बेसिक स्टफ है जेटा में आता है वो स्क्रीन में थोड़े फंक्शन है जो मैं आपको शो करता हूँ, अगेन ये तो बेसिक चीज़ है। एंड यहाँ पे आपके लाइट्स जो नॉर्मली, एंड देन द मेन डिफरेंट थिंग इज द स्टेयरिंग व्हील, आप देख सकते हो GTI का थोड़ा डिफरेंट स्टेयरिंग व्हील आता है, यहाँ पे GTI बैजिंग, एंड यहाँ पे थोड़ा एक हेक्सागन शेप्स है फॉर सम रीजन, एंड वो शेप्स ऐसे छोटे छोटे होते जाते हैं, देख सकते हो ट्वीटर्स भी। एंड मैं कार के रियर सीट में जाऊँगा नहीं, क्योंकि देयर इज नथिंग, मैं आपसे आपको रियर सीट दिखा देता हूँ कार के, एंड जो रियर साइड है कार का वो बेसिकली दिखा देता हूँ, डोर्स एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो, वहाँ पे भी स्पीकर्स है, एंड देयर इज लाइक अ डिसेंट प्लेस टू कीप अ बॉटल, आप एक छोटा बॉटल वहाँ पे रख सकते हो। एंड अगर पीछे के सीट की स्पेस की बात करें तो आई थिंक इट्स डिसेंट, ऑफकोर्स जेटा इसका जो लॉन्गर व्हील बेस आता है, आई मीन थोड़ा जेटा इससे बड़ा है पीछे का लेग रूम, बट इट्स अ डिसेंट साइड, एक नॉर्मल जो 6 फुट का एडल्ट है वो भी एक कार के बैक सीट में आराम से फिट हो सकता है, ऑफकोर्स उसका वो लेग रूम एंड अंडर सपोर्ट का इशू होगा, बट अगेन दैट कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिशन अगेन द बैक सीट इन दिस का इज रियली प्रैक्टिकल। ओके ना, फाइनली ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम चेक करते हैं, जैसे कि मैंने कहा इसमें थोड़े फीचर्स है मैं आपको दिखाना जाता हूँ, जैसे कि अभी मैंने कार पे क्लिक किया तो ये परफॉर्मेंस मॉनिटर आता है, यहाँ पे आप इसके दूसरा जो लैप टाइमर है ट्रैक में वो चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस मॉनिटर, सर दो ही है इसमें परफॉर्मेंस मॉनिटर एंड द लैप टाइमर। एंड एक चीज़ है कि यहाँ का है वो बराबर है, बट ये थोड़ा लैग होता है, जैसे कि अभी मैं एक्सीलेटर पे प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो थोड़ा लैग है, बट अगेन इट्स अ कूल थिंग टू लुक एट। एक चीज़ भी है जो एनिमेशन है, आई थिंक इट्स रियली नाइस, मतलब आप जैसे कि मैंने कार सेटिंग्स में भी क्लिक किया आप देख सकते हो एनिमेशन, एंड देन अगेन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हियर आप ये देख सकते हो मैं पार्किंग एंड मैन्यूअर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट वॉल्यूम, पिच वॉल्यूम, रियर वॉल्यूम सब एडजस्ट कर सकते हो, एंड ये लाइव एडजस्ट भी होता है, तो एक्चुअली यू कैन प्ले अ म्यूजिक हियर। आई थिंक आई एम रियली बैड एट दैट, सो ओके वी विल लेट दैट गो। सो अगेन यहाँ पे पिच भी एडजस्ट होता है। ओके, इनफ ऑफ दैट, आता है यहाँ पे मिरर्स एंड वाइपर्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वाइपर का सेटिंग है, अगेन इसमें एक सिंक्रोनाइज मिरर्स का भी सेटिंग आता है, मतलब आप एक ही कंट्रोल से आप एक ही टाइम पे दोनों मिरर्स भी कंट्रोल कर सकते हो। आई डोंट थिंक उसका इतना यूज़ है, बट अगेन इट मे बी यूजफुल। तो यहाँ पे यूनिट्स है जो माइल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो असिस्टेंट सिस्टम जो सेफ्टी असिस्टेंट है कार का, तो वो सब सेटिंग्स है यहाँ पे। अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब रेडियो, इसका इमेजेस, व्हाट आर द इमेजेस इन, ओके वी हैव टू सिलेक्ट, अगेन मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो व्हीकल्स एंड सब है यहाँ पे। अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ
तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स है ही, तो नॉर्मली जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं टच स्क्रीन है मैनुअल बटन चाहिए, तो यहाँ पे तो आपको दोनों चीज़ का ऑप्शन है। एंड एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो अभी, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आपका हाथ नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो ऑप्शन पॉप अप हो रहा है, तो आई थिंक वो इंडिया में भी कोई तो कार में है वोक्स वैगन के ये। एंड हियर इट इज़, आप यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस भी एडजस्ट कर सकते हो एंड ऐसे स्क्रोल भी कर सकते हो, ये स्क्रोल करके भी एडजस्ट होता है। एंड दिस इज़ द फीचर आई थिंक आई सॉ इन ऑडी Q8। इसमें मैनुअल सीट एडजस्ट आता है बहुत फ्रंट सीट के लिए, अभी पता नहीं वो ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक सीट्स का है कि नहीं, बट अभी ऑफकोर्स इसमें नहीं है, तो एज ए स्टैंडर्ड इसमें मैनुअल सीट एडजस्टर ही आते हैं। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको दिखा दी है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द फन पार्ट। ऑफकोर्स मैं गोल्फ आर भी आके जाके ट्राई करूंगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, बट नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट फन पार्ट एंड दैट्स द ड्राइविंग वन। ओके, सो हियर आई एम नाउ फाइनली ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम द गोल्फ GTI एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ एक्साइटिंग पार्ट एंड देयर इज अ पोर्श टागा एंड द मोस्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली ड्राइविंग द गोल्फ GTI। सो जो गोल्फ जो जेटा GLI है उसमें भी सेम ड्राइव ट्रेन है, सो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 228 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 256 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क आई गेस। एंड इसके जस्ट पहले मैंने ड्राइव किया था जेटा, तो जो फर्स्ट डिफरेंस फील हो रहा है वो है द हाउ कार, ऑफकोर्स द कार है उसका राइड क्वालिटी इसका स्टिफ है जेटा से, एंड द अदर थिंग इज हाउ टाइट दिस कार फील्स, हाउ मतलब जो कार का जैसी है वो काफ़ी टाइट एंड रिजिड फील हो रहा है। एंड मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट मतलब एक थोड़ा टाइम पहले मैंने जेटा ड्राइव किया था, दैट्स वाई। एंड द अदर थिंग मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो है कार का ड्राइविंग फील, इट फील्स लाइक एन ऑडी, आई मीन एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि एक ऑडी का जो ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फील आ रहा है। एंड येस दिस इज अ गोल्फ GTI बट इट हैज़ अ स्टार्ट स्टॉप इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। सो अभी इसके कॉम्पिटिशन की बात करें तो वो है फोर्ड ST एंड देन द सिविक टाइप आर। एंड मैंने जैसे कि पहले बोला आई थिंक दिस इज द बेस्ट हॉट हैच, एंड द रीज़न इज अभी फोर्ड ST की बात करें, जो फोर्ड फोकस ST है उसकी बात करें तो उसका जो इंटीरियर है इट्स नॉट दैट गुड, आई मीन इसका इंटीरियर देखो तो इंटीरियर क्वालिटी इज फैंटास्टिक। एंड अगर जो दूसरा सिविक टाइपर है आई थिंक इट्स ओवर डिजाइन, अब बहुत लोगों को पसंद भी इंडिया में, तो इनफैक्ट आई थिंक उसके बॉडी किट्स भी आ गए वो भी सिविक सेडान के लिए, सो बट फॉर मी इट्स अ बिट ओवर डिजाइन। एंड एज आई सेड द ST हैज इट्स ओन थिंग, ओके द फोर्ड एंड द सिविक आर फास्टर देन दिस का, ऑफकोर्स वो ट्रैक फोकस भी है, ट्रैक पे इट्स मोर फन देन दिस का, बट अगेन द होल पर्पज ऑफ दिस का इज बींग अ प्रैक्टिकल हॉट हैच। एंड वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक कार परफेक्टली सर्व करता है, क्योंकि अगर आपको कोई मतलब आपको ट्रैक कार चाहिए तो जस्ट गेट अ माजडा मियाडा और सम अदर स्पोर्ट्स कार। एंड मुझे पर्सनली जैसे कि मैंने कहा जो कार्स जो है ऑफकोर्स सुपर कार्स को छोड़ के जो नॉर्मल कार्स होते हैं, फॉर मी वो कार बस अच्छे दिखने में होने चाहिए, थोड़े प्रीमियम फील होने चाहिए, ऑफकोर्स यू शुड फील नाइस इनसाइड। एंड ऑफकोर्स ये कार में आता है पावर भी, इट्स नॉट दैट इट्स स्लो, इट्स फास्ट ऑफकोर्स। एंड आई थिंक ओवरऑल पैकेज जो ये वर्ड है मैंने ज़्यादा यूज़ किया है अपने वीडियो में अभी, तो आई विल स्टॉप सेइंग दैट। तो अभी दूसरा इसका स्टेयरिंग फील एंड ऑल, आई थिंक द स्टेयरिंग फील इज, आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग द गोल्फ GTI एंड मैंने इसके कॉम्पिटिशन कार नहीं चला है, तो मैं ऑफकोर्स डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं करूँगा, बट जो ओवरऑल फील है द स्टेयरिंग फील्स प्रीटी डायरेक्ट, एंड जो स्पोर्ट्स मोड में है स्टेयरिंग वेज अप प्रीटी वेल। सो या एज आई वॉज सेइंग, जो मेरे लिए जो नॉर्मली कार जैसे बस अच्छे दिखते हैं, फील्स इनसाइड गुड फ्रॉम इनसाइड, दैट वॉट मैटर टू मी। सो ऑफकोर्स इट्स अ गोल्फ GTI तो ऐसा बोरिंग वीडियो तो होगा नहीं, सो नाउ द मेन फन पार्ट, लेट्स जस्ट चेक आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड ऑफकोर्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कार। सो ऑफकोर्स दिस कार जैसे कि मैंने कहा हैज द जो जेटा GLI में पावर ट्रेन आता है वो सेम पावर, आई मीन जो जेटा GLI में इसका पावर ट्रेन आता है, सो दिस इज द 228 ब्रेक हॉर्स पावर 250 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क इंजन, सो नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, सो फाइनली नाउ द मेन पार्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, दैट्स वॉट वी आर हियर फॉर। सो अभी मैं कार को स्पोर्ट्स, इट्स ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट्स मोड अभी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं ड्राइविंग मोड प्रेस कर रहा हूँ, सो आई विल पुट दिस कार ऑन द स्पोर्ट्स मोड एंड हियर वी गो अगेन, यू कैन सी ऑल द सेटिंग, इट्स इन कम्प्लीट स्पोर्ट मोड। अभी ट्रैफिक तो ऑलरेडी क्लियर है, सो लेट्स जस्ट चेक द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड हियर वी गो। There was a lot of wheel spin actually and the car refused to shift and then again it like hesitated a bit when it was shifting, but that was crazy. And I think with the traction control on it can do a better job, but I think the most fun main part here is having fun. Okay, here we go, I can't stop. Ooh-hoo.
I can't. This acceleration is quite addictive. Of course, this acceleration is quite addictive. I think I can do it all day long. This is so much fun. As I said, this is my first time driving a proper hatchback, and I'm loving every bit of it. मैंने और एक चीज़ जो नोटिस किया, नॉर्मली मैं अभी कार को वापस नॉर्मल सेटिंग्स में डाल देता हूँ. लेट्स गो इन ईको मोड. ओके, सो मैंने और एक चीज़ जो नोटिस किया होता, कार में थोड़ा अंडरस्टीयर था, जैसे कि अभी वहाँ पे थोड़ा टर्न था, सो आई वाज ट्राइंग टू टर्न, तो कार में थोड़ा अंडरस्टीयर फील हुआ. बट अगेन, जो गोल्फ आर आता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट जो डिफरेंशियल होता है वो है, सो अगेन दैट्स अ वेरी क्लेवर सिस्टम. तो उसमें अंडरस्टीयर जो होता है कार में वो काफ़ी कंट्रोल किया अच्छी तरीके से. सो मच वन एंड सच अ नाइस एक्सपीरियंस, एंड आई होप टू ट्राई द वोक्सवैगन गोल्फ आर लेटर ऑन एंड अदर हैचबैक्स एज वेल. But I think as I love the Golf GTI, as I said, it has that character, that history. I just love this car. It's a bit, you can hear the sound. And in fact, आपको एक turbo noise भी आता है जैसे यू मतलब आप accelerator छोड़ देते हो, वो turbo noise भी आता है. मुझे पता नहीं जब मैंने acceleration किया था तो video में capture हुआ होगा कि नहीं, but जैसे आप accelerator का पैर मतलब जैसे आप accelerator let go करते हो, एक turbo noise भी आता है ऐसा. सो या गाइस, दैट वाज सो मच फन, एंड आई होप मैं वो जो एक्साइटमेंट है वो एक्सेलरेशन भी चाहे. एंड जैसे कि मैंने कहा, मैं फर्स्ट टाइम में चला रहा था एंड द परफॉर्मेंस इट हैड, तो मे बी मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी ड्राइविंग दिस कार. एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन.